नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव पांडे ब्लॉग्स। दोस्तों आज आईपीएल 16 में बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, शाम को 3:30 बजे लखनऊ और गुजरात के बीच, जो लखनऊ में खेला जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे आग्रह करते हैं कि आप अगर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और लाइक भी दबा दें तो दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कल के मैच की। कल का मैच बहुत ही शानदार रहा जो हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेला गया। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 134 रन बनाए, जिसमें के जवाब में चेन्नई में कोनबे और गायकवाड ने बहुत तबाहतोड़ बल्लेबाजी की। कोनबे ने 77 रन बनाए और गायकवाड ने 35 रन बनाए और यह छोटा सा लक्ष्य मात्र 18.4 ओवर में चेस कर लिया। 8 बॉल शेष रहे थे। दोस्तों मैंने कल पहले ही कहा था कि पहले मैच में जडेजा चला नहीं चला, लेकिन आज के मैच में बहुत चलेगा, क्योंकि जो पिच थी वो स्पिन को बहुत ही सपोर्ट करने वाली थी और जडेजा चूंकि ऑलराउंडर है, भारतीय टीम का बहुत शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है। तो दोस्तों आपने देखा कि जब हैदराबाद बैटिंग करने उतरी तो उसने 3 विकेट ले करके उसके बैट्समैनों की कमर तोड़ दी। तो दोस्तों बहुत शानदार मैच रहा, मैं आशा करता हूँ बहुत सारा पैसा आपने जीता होगा। तो दोस्तों एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लाइक बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बहुत सुंदर टीम बनाते हैं जिससे बहुत सारा पैसा आप आज आप जीतने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको टीम बताते हैं लखनऊ की टीम में कौन कौन है, तो जिसमें केएल राहुल, मेसी और हुडा, स्टोनिस, पूरन, कुणाल और नबीन उल हक, आबेश बिश्नोई, ऐसे बहुत सारे बहुत सुंदर टीम जिसमें बहुत सुंदर बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं गुजरात टीम की। गुजरात टीम में साहा गिल और हार्दिक पांड्या जो भारतीय टीम में ऑलराउंडर हैं, बहुत सुंदर बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। जोशी, स्मिथ, मोहित और बहुत सुंदर राशिद भी है, स्पिनर बॉलर हैं। तो दोस्तों बहुत सुंदर टीम है। तो दोस्तों टीम बनाने के पहले हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इन गुजरात और लखनऊ ने पहले मैच में कैसा प्रदर्शन किया। तो दोस्तों बात करते हैं इससे पहले गुजरात ने अपना मैच कैसा खेला। तो दोस्तों 16 अप्रैल को अहमदाबाद में गुजरात और राजस्थान के बीच में मैच हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले गुजरात ने पहली बैटिंग की, जिसमें सुदर्शन ने 20 रन बनाए, गिल ने 45 रन बनाए, हार्दिक ने 28 रन बनाए और अभिनव ने 27 रन बनाए और इस टोटल 177 पर 7 विकेट पर गुजरात ने स्कोर खड़ा किया। जवाब में राजस्थान उतरे और राजस्थान ने बहुत सुंदर बैटिंग की और केवल 19.2 ओवर में मात्र 4 बॉल शेष रहते हैं 179 लक्ष्य को पूरा कर लिया, अर्थात गुजरात इस मैच में हार गई राजस्थान से। तो दोस्तों गुजरात आज शाम का जो मैच खेल रही है वो राजस्थान से हार के मैच खेल रही है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि लखनऊ ने अपना इसके पहले मैच कैसा खेला। तो दोस्तों 19 अप्रैल को जयपुर में लखनऊ और राजस्थान के बीच हुआ। दोस्तों देखो गुजरात ने राजस्थान से मैच हारा है और यहाँ फिर से 19 अप्रैल को लखनऊ और राजस्थान के बीच में हो रहा है मैच, तो जिसमें बहुत सुंदर केएल राहुल ने बैटिंग की, 39 रन बनाए, मैरिस ने 51 रन बनाकर 150 मारी, स्टोन्स ने 21 रन, पूरन ने 29 रन बनाए और बहुत ही सुंदर उन्होंने बैटिंग की और 154 पर 7 विकेट पर उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया। जवाब में राजस्थान उतरा और मात्र 144 रन पर 6 विकेट पर ढेर हो गया और जिसमें आबेश खान ने बहुत सुंदर बॉलिंग की, 4 ओवर में 12 डॉट बॉल फेंक करके 3 विकेट छटके, और स्टोन्स ने 4 ओवर में 11 डॉट बॉल फेंक करके 2 विकेट छटके। बहुत सुंदर इन दोनों ने बॉलिंग की जिसके परिणाम स्वरूप लखनऊ राजस्थान से जीत गया। और आपको बताना चाहते हैं कि लखनऊ ने राजस्थान को हरा करके आज शाम का मैच खेल रही है और गुजरात राजस्थान से हार करके आज का मैच खेल रहे हैं, अर्थात लखनऊ के खिलाड़ी मोटिवेट हैं और गुजरात के खिलाड़ी डीमोटिवेट हैं, क्योंकि उन्होंने राजस्थान से मैच जीता है, उन्होंने
राजस्थान से मैच हारा है, तो पक्का तय है कि लखनऊ अच्छा स्कोर खड़ा करेगी, अच्छा खेलेगी। तो अब वाकई में दोस्तों बताना चाहते हैं कि लखनऊ के जीतने के ज़्यादा चांस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने टीम तो दोस्तों देख ली है, अब हम बात करते हैं कि इनके खिलाड़ी जो टीम में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनका कैसा आईपीएल में प्रदर्शन रहा। तो दोस्तों प्रदर्शन देखने के पहले आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हम सुंदर बहुत शानदार टीम बनाएंगे जिसको आप देख सकते हैं और अपनी टीम बना सकते हैं जिसके आधार पर, और आप सुंदर बहुत सारे पैसे आज जीत सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले हम खिलाड़ी देखते हैं लखनऊ के। लखनऊ के जो कैप्टन है केएल राहुल, जिनको 115 आईपीएल मैच खेलने का अनुभव है, जिसमें उन्होंने 4083 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी 4 सेंचुरी। दोस्तों मैं नहीं कह सकता हूं कि पूरे आईपीएल में अभी तक किसी ने 4 सेंचुरी एक खिलाड़ी ने लगाई हो, तो केएल राहुल के पास 4 सेंचुरी लगाई है। 32 50 उन्होंने मारी हैं, 132 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा। दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं मैरिस ने, कि नई खिलाड़ी हैं लेकिन ओपनर आते हैं, और लखनऊ की ओर से 6 मैच का उनको अनुभव है, 219 रन बनाए हैं, 3 उन्होंने 50 लगाई हुई, 73 उनका हाईएस्ट स्कोर है। दीपक हुड्डा की बात करते हैं, 101 आईपीएल मैच खेलने का उनका अनुभव है, 1275 उन्होंने रन बनाए, 7 हाफ सेंचुरी लगाई हैं, 64 हाई स्कोर उनका है। अब हम बात करते हैं पूरन की। पूरन ने 53 मैच खेलने का उनका अनुभव है, 1082 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर उनका 77 है, 5 उनकी हाफ सेंचुरी है। हम रवि बिश्नोई की बात करते हैं, 43 मैच खेलने का उनका अनुभव है, 45 उन्होंने विकेट लिए हैं। हम दोस्तों बात करते हैं रवि बिश्नोई की, बहुत सुंदर लखनऊ के वह बॉलर हैं, उन्होंने 43 मैच खेलने का अनुभव है, 45 विकेट लिए हैं, जिसमें वो 3 विकेट उन्होंने एक मैच में बहुत ही शानदार उनका प्रदर्शन रहा। आवेश खान की बात कर, आवेश खान भी बहुत सुंदर स्पिनर हैं, जब चलते हैं तो बिल्कुल बैट्समैनों के छक्के उड़ा देते हैं, और 43 मैच खेलने का उनका अनुभव है, 53 विकेट्स लिए हैं जिसमें, और 4 एक मैच में उनका बहुत विकेट लेने का बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं गुजरात टीम की, गुजरात टाइटन टीम की बात करते हैं, तो जिसमें शाह बहुत अच्छे ओपनर बैट्समैन है, और साथ में साथ हुआ विकेट कीपर भी हैं, तो 149 मैच आईपीएल खेलने का उनका अनुभव है, 2517 उन्होंने रन बनाए हैं, और 1 उनके हाथ में सेंचुरी भी लगाने का अनुभव है, 11 हाफ सेंचुरी, और 115 उनका बेस्ट स्कोर रहा है। हम बात करते हैं गिल की, शुभमन गिल, 79 मैच खेलने का उनका अनुभव है, 2128 रन बनाए हैं, उनका 96 हाईएस्ट स्कोर है, 16 हाफ सेंचुरी उन्होंने लगा करके गुजरात की टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम बात करते हैं सुंदरम की, सुंदरम को 10 आईपीएल मैच खेलने का अनुभव है, 321 रन उन्होंने बनाए हैं, 3 हाफ सेंचुरी लगाई है, 65 उनका बेस्ट स्कोर रहा है। हार्दिक पांड्या दोस्तों क्या क्रिकेटर खेलते हैं, क्या छक्का लगाते हैं, और भारतीय टीम की तो वो जान है। हार्दिक पांड्या को 111 आईपीएल खेलने का अनुभव है, 2012 उन्होंने रन बनाए हैं, 91 उनका बेस्ट स्कोर है, 8 हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई हैं। जोसेफ बहुत सुंदर बॉलर हैं गुजरात के, 17 मैच आईपीएल खेलने का अनुभव है, 20 विकेट लिए उन्होंने, और 6 विकेट उनका बेस्ट एक मैच में विकेट लेने का उनका प्रदर्शन है। सामी भारतीय टीम के बहुत सुंदर फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने 98 मैच खेलने का अनुभव है, 109 विकेट उन्होंने लिए हैं। मोहित शर्मा की बात करते हैं, 88 आईपीएल मैच खेलने का उनका अनुभव है, 94 विकेट लिए हैं, और 4 विकेट एक मैच में लेने का उनका बेस्ट स्कोर है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि गुजरात और लखनऊ के जो अच्छे खिलाड़ी हैं, सुंदर खिलाड़ी हैं, उनका पिछला प्रदर्शन कितना उनका अनुभव रहा, कितने रन बनाए, कितने विकेट लिए उन्होंने, सुंदर आपने देख लिया है यह एनालिसिस। तो दोस्तों इसी आधार पर हम
आगे टीम बनाएंगे। अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया, सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो बिल्कुल दबा दीजिए, क्योंकि अब टीम बनने वाले है। इसी टीम के आधार पर आप बहुत सारा पैसा जीतने वाले हैं। आप शाम को 3:30 बजे लखनऊ में के मैदान में बहुत सुंदर मैच है। दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि घरेलू मैच का बहुत ज़्यादा अनुभव होता है लखनऊ की टीम को, चूंकि लखनऊ में ही मैच है तो उनको घरेलू मैच का आनंद और लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, चलिए। लेकिन दोस्तों फिर भी कोई भी टीम का जीतना टॉस पर भी डिपेंड करता है। अगर पहले कोई टीम खेलती है तो ज़्यादा मतलब खेलने के जीतने के चांस रहते हैं, और चूंकि अब हम देखते हैं कि टॉस में कौन जीतता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम टीम बनाते हैं, सुंदर टीम बनाते हैं। बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे अनुसार टीम बनाइएगा तो बिल्कुल शाम को होने वाले मैच में बहुत सारे पैसे जीतेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले विकेट कीपर बनाते हैं। विकेट कीपर में हमारे पास पूरन है, डीकॉक है और शाह है। तो दोस्तों हम शाह और पूरन को सिलेक्ट करते हैं दोनों विकेट कीपर में। अब हम बैट्समैन की बात करते हैं। बैट्समैन में राहुल बहुत बेस्ट हैं, गिल भी हैं, और हुड्डा को हम लेते हैं और सुंदरम को भी लेते हैं। तो दोस्तों हमने 4 ऐसे बैट्समैन तैयार कर लिए हैं, ले लिए टीम में। और ऑलराउंडर की बात करते हैं, ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या तो मेरे बहुत ही सुंदर खिलाड़ी हैं, बहुत मैं पसंद करता हूं और इनको। और आगे बढ़ते हैं स्टोनिस में, दूसरा हम करते हैं कि हार्दिक की को भी नहीं, इसको भी नहीं लेंगे, स्टोनिस को भी नहीं लेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर हार्दिक पांड्या अगर टीम टॉस जीतती है इनकी तो जरूर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छे रन बनाएंगे। और टॉस हारती है तो चेस भी ठीक ठाक करेंगे। दोस्तों फिर भी मैंने हार्दिक पांड्या को ले लिया है। और आगे अब बात करते हैं दोस्तों, अगर कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता है तो बिल्कुल आप थोड़ा उसमें अपनी, दोस्तों अगर कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता तो बिल्कुल आप थोड़ी टीम में चेंजेस कर कीजिएगा। और हम एक और ऑलराउंडर चाहते हैं, किसको लें, मैरिस को भी मैंने ले लिया, बहुत सुंदर बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग में राशिद खान को, सामी को ले लिया है। एक और सुंदर हमको बॉलर चाहिए, बिश्नोई को भी मैंने ले लिया। इस प्रकार दोस्तों मैंने टीम बना ली है, और आप बिल्कुल अब हमको कैप्टन बना है ना, कैप्टन मैं शाह को मैं पसंद करूँगा और कैप्टन में, और फिर हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन में केएल राहुल को, खैर मैं पसंद ही नहीं करूंगा। वाइस कैप्टन में देखता हूं कि मैरिज को पसंद करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मेरे द्वारा टीम बना ली गई है, और इसी टीम के आधार पर आप देख सकते हैं एनालिसिस करके अपनी टीम बनाएगा, और वाकई में आप शाम को होने वाले मैच में बहुत सारा पैसा जीतेंगे। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी आधार पर आप कुछ एनालिसिस करके टीम बनाइएगा। टॉस पर भी कुछ मैच डिपेंड करता है और बैटिंग ऑर्डर तो कुछ बनता ही है। तो दोस्तों आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे अनुसार टीम बनाइएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे अनुसार टीम बनाते तो बहुत सारा शाम को पैसा जीतने वाले हैं। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो बने रहे मेरे इस ब्लॉग्स पर, गौरव पांडे ब्लॉग्स। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो अगर पैसा बहुत सारा जीतने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसी आशा के साथ वंदे मातरम।